कल शाम में मैंने आपके लिए एक ऐसा एपिन लाया था जिस पे आप काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकते हो और आपका उस पे यूट्यूब फेसबुक या फिर कोई भी वेबसाइट बहुत अच्छी चलेगी, इवन अगर आप डाउनलोड करते हो तो भी, और आप गेम भी खेलते हो तो बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। तो वो एपिन आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा उस वीडियो का, आप जाके चेकआउट कर लेना। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है भूषण, आप हो द वैरायटी स्टफ़ पे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना। आज भी मैंने एक ऐसा एपिन लाया हुआ है जो आपको बढ़िया स्पीड देगा, साथ ही साथ में आपका सर्फिंग और बाकी वीडियो का वगैरह जो भी स्ट्रीमिंग आप करते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, मैं अभी इंटरनेट चला रहा हूँ मेरे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जो आइडिया का है, और ये जो एपिन है जो नया मैंने लाया है, ठीक है, वो आप कहीं पर भी कर सकते हो यूज़, ठीक है। ये जो आपको यूज़ करना है कहीं पर भी कर सकते हो, चाहे जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया जो भी है वो इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले डिफ़ॉल्ट वाला जो है उसको देख लेते हैं, अभी एक्टिवेट डिफ़ॉल्ट वाला ही है। डिफ़ॉल्ट वाले की हम लोग पहले स्पीड टेस्ट करेंगे क्या स्पीड आ रही है, और उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्ट आपको चेंजेस क्या कर रहे हैं नए पिन में, ठीक है। तो आप देख रहे हो, देखिए ये स्पीड शायद 1 Mbps तक भी ना जाए, मुझे तो डर है फिलहाल। चलिए तो ये है अपनी स्पीड 0.75। हम लोग एक बार देखते हैं नए एपिन में, ठीक है। नया एपिन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, नेटवर्क में जाना है आपको, उसके बाद में मोबाइल नेटवर्क्स में जाना है आपको, यहाँ पे जाना है आइडिया में, एडवांस में जाओगे आप लोग, नीचे एक्सेस पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग करोगे न्यू एपिन, तो पूरा ऐसा फॉर्म आ जाएगा ब्लैंक वाला, वहाँ पे चेंजेस करने आपको, ठीक है। इसको डिस्कार्ड कर देते क्योंकि मैंने पहले से ही बना लिया है। तो जैसे कि सबसे पहले आता है नेम, नेम में आपको लिखना है VI4G, अगर आपका जियो है तो आप यहाँ पे लिखोगे Jio 4G, ठीक है। आइडिया नेट आपको एपिन में डालना है। अब यहाँ पे जो जियो है या एयरटेल वाले हैं, ठीक है, वो क्या डालोगे, जियो वाले यहाँ पे डालेंगे जियो नेट, ठीक है, जियो नेट आप एक बार ये कर लीजिए, ठीक है। और आइडिया वाले का जो है आइडिया नेट यहाँ पे डालेंगे, बाद में एयरटेल वाले जो है एयरटेल में जो डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है, airtelgprs.com वही डालेंगे, वहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने, प्रॉक्सी आपको छोड़ देनी है जैसे कि वैसी, पोर्ट आपको यहाँ पे ज़ीरो कर देना है, पोर्ट मैंने फिल नहीं किया था, सॉरी फॉर दैट। अब यूज़र नेम में आपको डालना है गेमिंग बॉट अल्ट्रा, आप देख लीजिए इसको कैसा है, ठीक है, गेमिंग बॉट अल्ट्रा आपको यही डालना है सेम टू सेम। उसके बाद में पासवर्ड छोड़ देना है, सर्वर में आप जाओगे, सर्वर में डालोगे आप www.google.com, ठीक है। उसके बाद में MMS पोर्ट छोड़ देना है, MCC और MNC को हाथ नहीं लगाया हमने, हर बार बताता हूँ आपको कि एरिया कोड है। अब ऑथेंटिकेशन टाइप में आ जाएंगे, ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको डालना है PAP और CHAP, ठीक है। डिफ़ॉल्ट डालना है आपको APIN टाइप में, या आप टाइप करोगे इसको छोड़ दोगे जैसे कि वैसे। फिर APIN प्रोटोकॉल आता है, APIN प्रोटोकॉल में आप डालोगे IP version 4 और IP version 6, सेम आपको APIN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी करना है। अब वहाँ से निकल के हम लोग आ जाते हैं बेयरर पे, तो बेयरर पे आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी आज करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे अनस्पेसिफाइड है उसको अनटिक करके LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, UMTS, उसके बाद में एज छोड़ के GPRS, और सीधा नीचे आके 1XRTT, IS95B और IS95 कर लेना है सेव। सेव करने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम लोग चलते सीधा स्पीड टेस्ट, मैं आपको सीधा स्पीड टेस्ट ले जाऊंगा, बाकी चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे। चलिए